5 बजे तक जारी रहेगा, आवश्यक सेवाओं को दी गई है छूट। महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसा सख्त प्रतिबंध हुआ लागू, राज्य के सड़कों पर दिखा सन्नाटा। महाराष्ट्र में शुरू हुआ ब्रेक द चेन अभियान, सिनेमा घर, थिएटर, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्कूल, कॉलेज, सैलून, ब्यूटी पार्लर, सार्वजनिक स्थान, पूजा स्थल बंद। राज्य भर में होटल रेस्टोरेंट रहेंगे बंद, सुबह 7 से 8 बजे तक होम डिलीवरी की छूट। राज्य में अगले 15 दिन तक सब्जी, फल, बेकरी, डेयरी और किराने की दुकानें छोड़कर सभी दुकानें रहेंगे बंद। आज से लोकल ट्रेन में आम जनता के लिए पूरी तरह से बंद, सिर्फ जरूरी सेवा से जुड़े लोग कर सकेंगे यात्रा। महाराष्ट्र में धारा 144 लागू, बगैर जरूरी काम के घर से बाहर निकलने पर रोक। घरेलू कामगार को लॉकडाउन के दौरान काम करने की छूट। कोरोना कंट्रोल में करने को लेकर उद्धव ठाकरे ने की जिला कलेक्टरों के साथ आज अहम बैठक। सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा रद्द और वहीं 12वीं की परीक्षा की गई स्थगित, 4 मई से शुरू होने वाली थी परीक्षा। देवेंद्र फडणवीस ने ठाकरे सरकार से बिजली बिलों, प्रॉपर्टी टैक्स और जीएसटी में छूट देने की मांग। नीतीश राणे ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना, कहा ब्रेक द चेन को छोड़ो, अपने दिमाग का इलाज कराओ। दादर भाजी मार्केट में पाबंदियों के बावजूद देखी गई खरीदारों की भारी भीड़। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 5400 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा। मुंबई में पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के 9925 नए मामले, वहीं 54 लोगों ने गवाई अपनी जान। नालासोपारा इलाके में अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते 12 कोरोना संक्रमित मरीजों की हुई मौत। मुंबई के कुर्ला टर्मिनस पर लॉकडाउन के चलते देखी गई प्रवासियों की भारी भीड़, बिना स्क्रीनिंग और कंफर्म टिकट के यात्रियों को नहीं मिल रही है स्टेशन में एंट्री। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के बीच सेंट्रल रेलवे ने अप्रैल अंत तक के लिए 106 स्पेशल ट्रेनों का किया ऐलान। पुणे में व्यापारियों ने सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी शुरू कर दी है। पुणे व्यापारी महासंघ 2 दिन में लेंगे फैसला। मुंबई के नॉन कोविड अस्पतालों में किल्लत के चलते रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई पर रोक। अस्पतालों में रेमडेसिविर की भारी किल्लत के बीच बीएमसी का दावा, अस्पतालों में रेमडेसिविर की कोई कमी नहीं। शिवसेना सांसद राहुल सेवाले ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर धारावी में 18 से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन लगवाने की मांग। लॉकडाउन की आशंका के चलते सेंसेक्स और निफ्ट में बड़ी गिरावट। मुंबई के वर्ली इलाके में एक गर्भवती महिला ने पुलिस वैन में बच्चे को दिया जन्म। हॉस्पिटल में बेड्स की कमी के लिए उद्धव सरकार के मंत्री असलम शेख ने फिल्म सितारों और क्रिकेटर्स को ठहराया जिम्मेदार।